इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला किया और ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम की योजना मनीष के खिलाफ कई झूठे मामले लगातार उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की है, ये देश के लिए दुखद है। ये कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए, यानी कि पीएम की जो योजना है, यानी कि जो उनकी मंशा है, वो दरअसल मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने की है। ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और सीधा पीएम पर ही सवाल उठाया है। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, दोनों ही पहलुओं पर बात जरूरी हो जाती है। सबसे पहले फीडबैक यूनिट विवाद क्या है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ज्यादा। थोड़ी आवाज में समस्या है, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आज की सियासी तौर पर बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2016 में फीडबैक यूनिट बनाई थी। इस फीडबैक यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए का एक गुप्त फंड भी आवंटित किया गया था, जिसके जरिए जासूसी कराई गई थी। अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केस दर्ज करके मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये फीडबैक यूनिट विवाद जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और तब से ही माना जा रहा था कि ये मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। एक शिकायत पर सीबीआई की ओर से प्राथमिकी जांच में दावा हुआ कि फीडबैक यूनिट ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की। सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को, ये आप तारीख याद रखिएगा, 12 जनवरी 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम, उस वक्त मनीष सिसोदिया क्योंकि डिप्टी सीएम थे तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, और राज्यपाल ने इस संबंध में मंजूरी के लिए फाइल को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया था। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, क्यों माना जा रहा है कि ये फीडबैक यूनिट जो है ये मुश्किलें बढ़ा सकती है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की? बिल्कुल, देखिए 2015-2016 का ये मामला है, जब दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगे थे कि जो विपक्षी नेता है, जो बड़े अधिकारी है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनकी जासूसी कराई जा रही है, और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट का गठन किया है। हालांकि ये यूनिट किस तरीके से काम कर रही है, इसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनकी भी जो नियुक्ति है वो अवैध बताई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया और जिस तरीके से उपराज्यपाल से इस पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, तो आपको बता दें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि सीबीआई इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि सीबीआई ने 2016 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी और जिसमें जांच किया था तो ये पाया था कि कहीं ना कहीं इसमें जो नियुक्तियां हुई हैं वो गलत तरीके से की गई हैं, और जो ये यूनिट लगाई गई थी वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि दिल्ली सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके की यूनिट की स्थापना कर सके और इस तरीके से नियुक्तियां कर सके, क्योंकि इसको लेकर के जनवरी में ही उपराज्यपाल से एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी गई थी और उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास इस पूरे मामले को भेजा था, जिसके बाद जब ये मंजूरी मिली तो माना जा रहा था कि सीबीआई जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और आज जिस तरीके से सीबीआई ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की है तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जरूर कहा है कि प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया जल्द से जल्द बाहर आए, उनकी ये योजना है कि वो लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहते हैं और ये बेहद दुखद है देश के लिए भी। तो कहीं ना कहीं अब जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले नई शराब नीति के तहत उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, फिर ईडी ने एफआईआर दर्ज की, और अब
ये फीडबैक यूनिट को लेकर के सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किए, तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो मामले दर्ज हो रहे हैं उससे मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और हम ये मान के चले कि आने वाले समय में मुद्दा गरमाने वाला है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने जरूर ट्वीट कर दिया है और हम वैसे भी दोनों ही सदनों में हंगामा देख रहे हैं, और इस वक्त कम से कम इस मुद्दे को लेकर, एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर फिलहाल तो कांग्रेस और आप एक है। अब ये बड़ा मजेदार है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी लेटर लिखा था इस फीडबैक यूनिट विवाद को लेकर और सवाल उठाए थे, लेकिन आप जब सेंटर की बात होती है, जब आप संसद में जाते हैं तो वहां पर आप एक हो जाते हैं। बिल्कुल जीनत, इस मामले को कांग्रेस ने ही उठाया था, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस मुद्दे को उठाया, संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में आम आदमी पार्टी को और मनीष सिसोदिया को घेरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल 16 जिलों के सांसदों ने एक साथ ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि एक मुद्दे पर तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विपक्ष में खड़ी हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ जब ईडी की बात आती है, जब कार्रवाई की बात आती है, तो एक दो नहीं बल्कि 16 दल एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी होती है, कांग्रेस भी होती है। तो ऐसे में जो विपक्ष की एकता की बात करी जा रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर एकता टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो ईडी की कार्रवाई को लेकर के एक आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है, केंद्र की जो उसकी यूनिट है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन जो दिल्ली की यूनिट है वो आम आदमी पार्टी के विपक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख है, उसका क्या विजन है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे या उसके विपक्ष में खड़े होंगे, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सियासी मजबूरियां ही हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका बलराम, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ कथित